विद्वानों की, अब इसमें तकनीकी भी हो गए और कौन कौन से रास्तों में कह रहे थे हम भी हैं, सबकी जय हो। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे कर्मठ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सामान्य वर्ग आयोग के हमारे अध्यक्ष श्री शिव कुमार चौबे जी, सुल्तान सिंह शेखावत जी हमारे मध्यप्रदेश असंगठित शहरी ग्रामीण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष, रमेश चंद्र शर्मा जी मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष, हमारे मनु और केसी, मनु श्रीवास्तव, केसी गुप्ता, देवराज जी, डॉक्टर विजय राजौरिया जी, श्रीमती नीमा जी, सुरजीत जी, बनवारी लाल जी, सुश्री लक्षारी दास जी, ऋषभ पटसेरिया जी और मेरे सभी अतिथि विद्वान बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, बड़ी देर भई नंदलाला। बाकी पंचायत तो मैंने बुलाई लाल परेड ग्राउंड पे, लेकिन आप विद्वान हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं, इसलिए मैं आपको गुरु का दर्जा देता हूं और इसलिए गुरुओं को मैंने आमंत्रित किया मुख्यमंत्री निवास पे। आप सबका हृदय से स्वागत है। भाई मोहन जी विस्तार से बता रहे थे कि आपने उच्च शिक्षा की मसाल को इतने वर्षों तक जला के रखा और आप वही योग्यता रखते हैं जो हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, व्याख्यातागण रखते हैं, और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आपकी जिंदगी में अनिश्चितता पूरी तरह से समाप्त की जाए। मैं जहां जहां गया, अतिथि विद्वान अलग अलग स्थानों पर मिले, और जब मिलते थे तो कुछ मेरी बहनें और बेटियां भावुक भी हो जाती थी, मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे। एक जगह का नाम भूल गया, जब मैं गया कॉलेज भवन का, शायद धार जिला था, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, जिला मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक कॉलेज के भवन का उद्घाटन करने गया तो मेरी दो बहनें जो अतिथि विद्वान थी उनने मिलने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से उत्कंठा होती है, ज्ञापन कैसे भी पकड़ लो, ज्ञापन कैसे भी पकड़ लो। वो आई है क्या आस्ट्रा में भी और एक जगह भी? ये खड़ी है, शायद मैंने बड़े बाद में जब चाय पीने में प्रिंसिपल साहब के कमरे में गया तो इन दोनों को बुला के इनके सिर पे हाथ रखा था और उस दिन तय कर लिया था कि आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, और इसलिए कुछ फैसले आज हम कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सार सार की बात करें। एक तो सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को। और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे, आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा वहां स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो फॉलन आउट, अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा, उनको फिर से आमंत्रण देंगे रिक्त पदों पर। लेकिन हमारी जिंदगी में और निश्चितता आए, इसलिए मुझे लगता है कुछ कदम
और उठाना जरूरी है। आप जानते हैं यूसीजी के गाइड लाइन के कारण कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसमें से भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। एक तो अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए अभी यह व्यवस्था नहीं है। मैं पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा। उसमें कुछ प्रक्रिया के बाद हमको फेरबदल करना पड़ेगा, उसके मैं निर्देश दूंगा। और अभी आपको प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 इतने नंबर दिए जाते हैं ना अतिरिक्त, और पेपर टोटल होता है कितने का, 900 का होता है। और इसलिए ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे। इसको बढ़ा के अधिकतम 10% अंक तक दिए जाएंगे, उसकी व्यवस्था हम बनाएंगे ताकि अधिकतम शामिल हो सके। और एक बात और कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, देश का दिल है मध्य प्रदेश। अरे 4,450 लोगों को तो अपने दिल में समा ही सकता है, और इसलिए हम यह व्यवस्था बनाएंगे कि अब फॉल एन आउट की नौबत ना आए, लगातार हम काम करते रह सकें। इसमें आईटीआई वाले भी बैठे हैं, आईटीआई वाले भी जो हमारे प्रवक्ता भी हैं, व्याख्याता भी हैं, सब है। तो जो मैंने 50,000 की बात तकनीकी के लिए भी कही वो लागू होगी, बाकी बात भी लागू होगी। और अतिथि प्रवक्ता भी हैं क्या, कुछ ये अलग है कुछ क्या, अतिथि प्रवक्ता अलग है। अभी इनको कितना दे रहे हैं, 14,000 का। अच्छा, उनका प्रपोजल सर है कि आप बढ़ा के सर 20,000 तक कर सकते हैं, 18,000। चलिए उनका भी वेतन बढ़ा के 20,000 रुपया किया जाएगा, मान दे उनका। मित्रों, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे लगता है लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है, सार सार की बात मैंने बोल दी। आप सुखी रहो, आप निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, और बच्चों के भविष्य को भी आप बेहतर से बेहतर बनाने के काम में जुट जाएं, यही मेरी अपील है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं, और आप भी मेरे परिवार के अभिन्न अंग है, इसलिए आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं। जाइए अब निश्चिंता के साथ, बेहतर शिक्षा देने के काम में आप लग जाइए, आपकी चिंता हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अनूठी